नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, कन्हान पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू गोंडे गांव बस्ती में रहने वाला आशीष पाटिल की 10 अक्टूबर को उसका मर्डर हो गया। मर्डर करने वाले सबसे पहले अभी जो नाम सामने आ रहा है वो कुणाल नाइक का रहा है। कुणाल नाइक आशीष पाटिल का पड़ोसी है, यानी कि दोनों एक ही जगह एक ही बस्ती में रहते हैं, आसपास ही रहते हैं। दोनों एक दूसरे से परिचित हैं, पारिवारिक संबंध है। और कुणाल नाइक को आशीष पाटिल के ऊपर कुछ अनैतिक संबंध को लेकर के शक था। कुणाल नाइक के पास में सूत्र बताते हैं कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे वो पूरी तरह से श्योर हो गया कि आशीष पाटिल के अनैतिक संबंध है। रात हो चुकी थी, आशीष पाटिल होमगार्ड की ड्यूटी करता था, वो अपने ड्यूटी पे था, नाइट की ड्यूटी पे था। कुणाल घर में तो विवाद किया ही, घर में मारपीट तो किया ही, लेकिन रात ढलने का इंतजार कर रहा था और सुबह आशीष पाटिल के घर आने का भी इंतजार कर रहा था। सुबह आशीष पाटिल जब घर आया तो लगभग 10 से 11 बजे के आसपास में कुणाल ने उसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ज़रूरी, तो मुझसे बात करना है तो मुझसे चलो। पड़ोसी था, भरोसा कर लिया और उसके साथ आशीष कुणाल के कहने पे चला गया। बोर्डा टोल नाके के पास नेशनल हाईवे 44 के पास में एक बस स्टॉप है कन्हान में, वहाँ पे उसे लेकर गया और वहीं पे उसका मर्डर किया। सूत्र बताते हैं कि अकेले का काम होना मुश्किल है, कुणाल नाइक के साथ में अन्य भी कुछ आरोपी हो सकते हैं। कन्हान के थानेदार सार्थक नेहते, एपीआई चेतन चौहान, मुदस्सर जमाल और एलसीबी के पीआई ओम प्रकाश कोकाटे, इन सब की टीम ने कुछ ही घंटों में बॉडी के बारे में पता लगाया। जब पता लगाने के बाद ये पता चला कि बॉडी मध्य प्रदेश के बालाघाट के कटंगी ज़िले के तिरोडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये बॉडी है। जिस कार का उपयोग किया गया उस कार के बारे में भी जानकारी निकाली गई, लेकिन आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। तिथे एक मोटरसायकल आपल्याला मिळून आली, आपण माहिती घेतली असता ती नवीन गोंडेगाव वस्तीमधीलच आशीष दिलीप पाटील याची ती मोटरसायकल होती। परिसरातून आपल्याला माहिती मिळाली की आशीष पाटील व त्याचाच मित्र व शेजारी कुणाल राजेश नाईक या दोघांमध्ये त्या बसस्टॉपवर वाद झाला होता। आपण शोध मोहीम आपली चालू असताना संध्याकाळी आपल्याला एक माहिती मिळाली तिरोडी पोलीस स्टेशन बालाघाट जिल्हा मध्य प्रदेश येथून की त्यांच्या पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये एक चारचाकी कार आणि एक बॉडी मिळालेली आहे। त्यांनी आयडेंटिफाय केलेली असता ती बॉडी आशीष याचीच होती। त्यानंतर त्यांनी आपल्याशी संपर्क साधल्यावर आशीषचे नातेवाईक तत्काळ त्या ठिकाणी रवाना झाले, पोलिसांची एक टीम देखील त्या ठिकाणी रवाना झाली होती। आरोपींचा आपण त्या ठिकाणी शोध घेतला, परंतु अद्यापर्यंत तो आरोपी आपल्याला मिळून आलेले नाही आहे। मध्य प्रदेश पोलीस प्राथमिक कार्यवाही करीत आहेत आणि गुन्हा दाखल करून ते तत्काळ पुढील तपासासाठी कन्हान पोलीस स्टेशनला हस्तांतरित करणार आहेत। मुख्य याच्यामध्ये 3 आरोपी होते अशी प्राथमिक माहिती समोर येत आहे। पहिला कुणाल राजेश नाईक, दुसरा सुमित नागोराव गजभिये आणि आशीष नागदिवे उर्फ डांगा, हे 3 आरोपी या गुन्ह्यामध्ये अंतर्भूत होते अशी माहिती मिळालेली आहे। आम्ही पुढील तपास करीत आहोत। सध्या बहुतेक या प्रकरणामध्ये अनैतिक संबंधांचीच झालर निष्पन्न येत आहे प्रथमदर्शनी, तरी आपण सखोल चौकशी करून आणि तपास करून गुन्हा उघडकीस आणू।